वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम जानेंगे एंड एमोइबा हिस्टोलाइटिका के बारे में। एमोइबा की स्पीसीज है एंड एमोइबा हिस्टोलाइटिका, इसलिए हमें पता होना चाहिए कि एमोइबा क्या है। एमोइबा जो है वो मैंने यहाँ पे आपको फिगर में दिखाया है, वो उसका जो शेप होता है वो इरेगुलर होता है और उसके अंदर शूडोपोडिया होता है उसे मूवमेंट करने के लिए। उसका फाइलम है सार्कोमास्टिगोफोरा, सब फाइलम है सार्कोडीना, सुपर क्लास है राइजोपोडा, क्लास है लोबोसिया और उसके जो ऑर्डर्स है वो है यूमोइबिडा, एमोइबिडा और सीजोफाइरेनिडा। एमोइबा की मेनली 6 स्पीसीज गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक के अंदर पाई जाती है। उसमें से 4 स्पीसीज जो है उसका जीनस एंड एमोइबा है। उसके एग्जाम्पल है एंड एमोइबा हिस्टोलाइटिका, एंड एमोइबा हार्टमैनी, एंड एमोइबा कोली और एंड एमोइबा डिस्पर। बाकी जो 2 स्पीसीज हैं उसके जीनस कुछ अलग हैं, जैसे कि डाई एंड एमोइबा फ्रेजाइलिस और एंडोलिमास नाना। फ्रॉम ऑल स्पीसीज ओनली ई हिस्टोलाइटिका इज ऑफ मेडिकल इम्पोर्टेंस। सारी जो स्पीसीज है उसके अंदर सिर्फ ई हिस्टोलाइटिका का ही मेडिकल इम्पोर्टेंस कुछ ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि वो ह्यूमन बॉडी के अंदर एमोइबियासिस करता है। एमोइबियासिस का मतलब होता है एमोइबा से होने वाला इन्फेक्शन। इन 1875 में, और वो कहाँ से फर्स्ट टाइम मिला था? तो वो मिला था एक पेशेंट के डिसएंट्रिक स्टूल के अंदर से। अब देखते हैं जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन कि वो कहाँ कहाँ पाए जाते हैं। ई हिस्टोलाइटिका जो है वो वर्ल्ड वाइड है, पर मेनली एशिया, पर्टिकुलरली इन बांग्लादेश, म्यांमार, चाइना, इंडिया, इराक, कोरिया, मेक्सिको, लैटिन अमेरिका की कुछ कंट्रीज, वहाँ पे वो पाए जाते हैं। पूरी दुनिया में हर साल एंड एमोइबा हिस्टोलाइटिका के इन्फेक्शन के कारण 40,000 से 1,00,000 जितनी डेथ होती है। अब हम देखते हैं हैबिटेट, यानी कि वो ह्यूमन बॉडी में कहाँ रहते हैं। ह्यूमन की बॉडी के इंटेस्टाइन के म्यूकोसा और सब म्यूकोसा में वो रहते हैं। अब देखते हैं ई हिस्टोलाइटिका की मॉर्फोलॉजी के बारे में। ई हिस्टोलाइटिका की मॉर्फोलॉजी के 3 फॉर्म्स हैं। फर्स्ट है ट्रोफोजोइट, सेकेंड है प्रीसिस्ट और थर्ड है सिस्ट। पहले हम देखते हैं ट्रोफोजोइट स्टेज, उसे हम फीडिंग स्टेज भी कहते हैं। ट्रोफोजोइट जो है वो एक्टिवली मोटाइल है और उसकी जो साइज है वो 10 से 60 माइक्रोमीटर की होती है। उसके अंदर फूड वैक्यूल्स जो है वो प्रेजेंट होते हैं। वो मूवमेंट करता है क्योंकि वो उसके अंदर सूडोपोडिया होता है। ये जो ट्रोफोजोइट है, यहाँ हम देख सकते हैं उसके 2 लेयर है। इनर लेयर है उसे हम कहते हैं एंडोप्लाज्म और बाहर का जो लेयर है उसे हम कहते हैं एक्टोप्लाज्म। एंडोप्लाज्म के अंदर न्यूक्लियस, इरिथ्रोसाइट्स, ग्रैन्यूल्स वो सभी होते हैं। ये जो ट्रोफोजोइट है वो सिर्फ टिश्यू में ही प्रेजेंट होते हैं। इसके अंदर न्यूक्लियस भी होता है, वो न्यूक्लियस स्फेरिकल होता है। न्यूक्लियस की जो साइज है वो 4 से 6 माइक्रोमीटर की होती है। उसके अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है जो डेलिकेट और थोड़ी थीन होती है और उसके अंदर क्रोमेटिन ग्रैन्यूल्स भी होते हैं। इन सेंटर डॉट लाइक कारियोसोम भी होते हैं। स्टेज है प्रीसिस्ट, उसे हम कहते हैं नॉन फीडिंग स्टेज। ये जो प्रीसिस्ट है वो साइज में थोड़े छोटे होते हैं और उसका जो डायमीटर है वो 10 से 20 माइक्रोमीटर का होता है। ये जो प्रीसिस्ट है वो ओवल शेप के होते हैं और वो नॉन मोटाइल होते हैं। उसके अंदर फूड वैक्यूल्स जो है वो एब्सेंट होती है, पर न्यूक्लियस उसके अंदर प्रेजेंट होती है। उसके अंदर क्रोमेटिन बार्स होती है। वो क्रोमेटिन बार्स का काम क्या है? तो वो फूड को प्रिजर्व करके रखती है। थर्ड जो है वो है सिस्ट। ये जो सिस्ट है उसके बाहर की साइड में सिस्ट वॉल होती है। उसका जो लेयर है वो डेलिकेट होता है। सिस्ट के अंदर जो न्यूक्लियस होता है
वो दो पार्ट में डिवाइड होके चार न्यूक्लियाई बनाता है। यहाँ हम देख सकते हैं 1, 2, 3 और 4 न्यूक्लियाई। ये जो सीस्ट है वो सिर्फ ल्यूमेन ऑफ द कॉलन के अंदर ही प्रेजेंट होता है, वो टिश्यू के अंदर प्रोड्यूस नहीं होता है। सीस्ट के अंदर जो वॉल का डेवलपमेंट होता है उसे हम कहते हैं एनसिस्टेशन। आइए अब हम देखते हैं ई हिस्टोलाइटिका की लाइफ साइकिल के बारे में। ई हिस्टोलाइटिका जो है उसे उसकी लाइफ साइकिल कंप्लीट करने के लिए सिर्फ एक ही होस्ट की जरूरत होती है। फीकली कंटामिनेटेड वाटर या फूड खाने से ई हिस्टोलाइटिका के अंदर के जो सिस्ट होते हैं और जो ट्रोफोजोइट होते हैं वो ह्यूमन बीइंग के बॉडी के अंदर एंटर हो जाते हैं। सिस्ट स्टमक में एंटर होता है और फिर इंटेस्टाइन में जाता है। यहाँ सिस्ट जो है वो ट्रोफोजोइट बन जाता है क्योंकि यहाँ उसकी सिस्ट वॉल डिस्ट्रॉय हो जाती है, उसे हम कहते हैं एग्जिस्टेशन। अब स्मॉल इंटेस्टाइन में क्वाड्री न्यूक्लिएटेड अमोएबा बन जाता है जिसे हम मेटासिस्ट कहते हैं। अब क्वाड्री न्यूक्लिएटेड जो अमोएबा है उसमें से 8 डॉटर अमोएबा ट्रोफोजोइट बन जाते हैं। उसमें से एक मैच्योर ट्रोफोजोइट का बाइनरी फिशन होने से प्रीसिस्टिक स्टेज में वो एंटर हो जाता है, फिर प्रीसिस्टिक स्टेज में से सिस्टिक स्टेज में एंटर होता है। इसे हम एनसिस्टेशन कहते हैं। क्यों? कि प्रीसिस्टिक स्टेज में से सिस्टिक स्टेज जब बनता है तो सेल वॉल जो है उसका डेवलपमेंट हो जाता है, यानी कि जो सिस्ट की वॉल है उसका डेवलपमेंट हो जाता है और फिर ये जो सिस्ट है वो स्टूल के थ्रू बाहर आ जाते हैं। फिर से यहाँ सिस्ट कंटेनिंग कंटामिनेटेड फूड और वाटर ह्यूमन जब कंज्यूम करता है तो फिर से वो बॉडी में एंटर होता है और फिर से इसकी जो लाइफ साइकिल है वो स्टार्ट हो जाती है।